हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं पूजा गुप्ता, अगेन आप लोग का वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल स्टाइल ऑफ स्त्री में। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग, और आज है दिवाली, तो मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली फॉर यू एंड योर फैमिली। सो घर पे बहुत अच्छे से दिवाली मनाइए। और आज मैं जा रही हूँ महादेवा, जो कि बाराबंकी में है। सो मैंने सोचा आज बहुत ही शुभ दिन है, तो क्यों ना भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए जाए। तो वहाँ पे मैं जा रही हूँ, डॉक्टर साहब जा रहे हैं, और किरण दीदी, राज भैया और अनिका, हम सब जा रहे हैं। सो अभी सुबह के बजे हैं 7, और हम लोग निकल रहे हैं दर्शन के लिए। तो चलिए आज आपको भी हम लोग महादेवा के दर्शन। जा रहे हैं महादेव जी के मंदिर। ये फ्रंट गेट है जो कि अभी बन रहा है, और हम लोग चलते हैं इसके अंदर। बहुत सारे कुत्ते हैं भाई साहब यहाँ पे। दर्शन करने के पहले हम लोग पहले खरीदेंगे फूल माले। इधर देखो, ये है मंदिर के अंदर का व्यू, और अभी मैं दर्शन कराती हूँ भोलेनाथ का। ये है भोलेनाथ। ये है पंडित जी, कान्हा जी को देखिए, बहुत प्रसन्न हुए कि कान्हा जी का दर्शन हुआ इनको। सो हम लोग जा रहे आगे दर्शन के लिए, तो पंडित जी चल रहे हैं ना परिक्रमा कर। सो पंडित जी तो बहुत 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 ज़्यादा खुश हैं, और कान्हा है ही इतने क्यूट। सो अभी हम लोग परिक्रमा कर लेते हैं गाइस, फिर मिलते हैं आपसे। हर हर महादेव। तो हमारे दर्शन कंप्लीट हो चुके हैं, और अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर के लिए। तो दी, यहाँ दर्शन करके कैसा लगा? बहुत बढ़िया, और सुबह के 9 बजे और हमारे दर्शन भी हो गए। बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह भगवान के दर्शन हो, बहुत ज़्यादा भीड़ भी ना हो, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग का आज का तो दिन बहुत अभी तक तो अच्छा जा रहा है, आगे अच्छा भी जाएगा, अच्छा जाएगा भगवान भोलेनाथ की वजह से। सो यहाँ पे ये सारे दिवाली भी है आज, तो ये सब जो है तोरण मिल रहा है, और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। बुक्स हैं, काफ़ी कुछ है। तो अभी तो हम लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं लेनी है। तो ये है डमरू, ले ले, इतना छोटा सा प्यारा सा डमरू, छोटा ले लेते हैं। हम लोगों ने ये प्यारा सा छोटा सा डमरू परचेस किया, क्योंकि महाकाल के यहाँ आए हैं, तो उनका डमरू तो एक लेके जाना बनता है। सो बाहर निकलने के बाद मैं भूल गई कि मेरा स्लीपर अंदर ही रह गया था। सो मैं आई, स्लीपर ली, और अब हम लोग जा रहे हैं बाहर। चलो,
अच्छा लग रहा है ये क्या। महादेव जी के दर्शन के बाद हम लोगों ने सोचा आज दिवाली है तो क्यों ना जो भी लावा चूड़ा और बताशे वगैरह चढ़ते हैं तो हम लोग यहीं से ले ले। और सो हम लोगों ने वो ले लिया है और दीदी भैया ले रहे हैं चश्मा। सो मैं दिखाती हूँ आपको कितने सारे कलेक्शंस हैं इस चश्मे के। किरण दी दिखाना चश्मा, मस्त लग रहा है डॉक्टर साहब। हाय, अलग ही दिख रहा है, सही बात है भैया। चश्मा आप लगाओ, देखो यार पावर और तो नहीं है इसमें। राज भैया आप, हाँ जो लगाए थे कितने का भैया? तो सब लोगों ने चश्मे परचेज कर लिया है। और तो बाबा आपका नाम क्या है? तो ये बाबा हम लोग मिले रास्ते में कुछ खाने के लिए, रुके थे चाय वगैरह पीने के लिए, तो बाबा को देखे तो बहुत अच्छा लगा, मन की आके बात करूं। तो बाबा का नाम है क्या बाबा बताए? रामपाल है। और बाबा की जो एज है वो 90+ है। और बाबा शायद साइकिल भी बहुत, साइकिल भी चलाते ना बाबा? कितना किलोमीटर चला लेते हो गए? अच्छा अच्छा, ज्यादा नहीं चल पाई है लेकिन दो चार किलोमीटर भी बहुत है, वो भी 90 की एज में बाबा। तो इनको देख के मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मुझे मन किया कि मैं बाबा से बात करूं, क्योंकि मेरे बाबा मैं बहुत छोटी थी तभी चले गए थे। और बाबा से, दादी से मेरी बहुत अटैचमेंट है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके साथ बैठना और बात करना। वैसे ही मेरे नाना भी थे लेकिन फ़िलहाल अभी तो नहीं है, लेकिन बाबा मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत प्यारे, बहुत प्यार से बात भी किया इन्होंने। वरना कुछ लोग ऑकवर्ड फील करते हैं कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन बाबा ने मुझसे बहुत अच्छे से बात किया। तो मैंने सोचा आज हैप्पी दिवाली बाबा। तो महाकाल के दर्शन के बाद बहुत बहुत अच्छा लगा बाबा से मिलके मुझे। और ये हैं बाबा के दोस्त। अंकल इधर आ जाइए। तो ये है बाबा के दोस्त मोहन लाल विश्वकर्मा है बाबा के दोस्त का नाम। तो ये दोनों लोग अच्छे वाले दोस्त हैं। तो अभी बाबा कुछ हिसाब वगैरह कर रहे हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं, बाबा चाय बिल्कुल नहीं पीते हैं। मैंने ऑफर भी किया लेकिन बाबा चाय नहीं पीते हैं। तो बाबा कुछ बताइए अपने बारे में। लकड़ी, मैं जब आई तो बाबा लकड़ी वगैरह बीन रहे थे, तो मैंने पूछा कि लकड़ी इसलिए बीन रहे, तो बोला उन्होंने कि रात में चूल्हे पे खाना बनता है तो उसकी तैयारी कर रहे थे। तो बहुत बड़ी बात है कि बाबा ग्रेट हो आप, ग्रेट। तो लक्ष्मी गणेश जी को तो हम लोगों ने पहले ही परचेज कर लिया था। और यहाँ पे ये स्टिकर्स जो होते हैं शुभ लाभ के, ये हम लेने आए थे और हम लोगों ने ले लिया है। और बाकी जो प्रसाद का सामान था, ये क्या है? ये मूसक उल्लू, उल्लू है, ये लक्ष्मी जी के सवारी। अच्छा अच्छा अच्छा। शो दर्शन वगैरह करके वापस हम लोग अपनी सोसाइटी में आ गए हैं और बहुत सारा सामान ले लिया है। तो दीदी ने क्या लिया है? दीदी भी सब्जियां ली है। और अब हम लोग जा रहे हैं रूम में। काफ़ी अच्छा लग रहा है आज मॉर्निंग में दर्शन करके। और अभी मतलब 12 भी पूरी तरह से नहीं बजे और हम लोग का इतनी सारी चीज़ें आज हो चुकी है। हाँ, तो अभी हम लोग करेंगे दिवाली की तैयारी अब। तो अभी चलते हैं रूम में। सो गाइस, पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है और शाम के हो रहे हैं 5:30 बज रहे हैं। और पंडित जी से मैंने बात की थी, पंडित जी ने बताया था कि 5:52 पे शुभ मुहूर्त है पूजा का। तो मैं प्रयास कर रही हूँ कि 5:52 तक मैं पूजा में बैठूँ और पूजा करना स्टार्ट कर दूँ। तो अभी तो मैं जा रही हूँ पूजा करने। और मैं कैसे पूजा कर रही हूँ वो मैं,
तो इस तरीके का चौका है जिसपे मैंने गणेश जी और लक्ष्मी जी को रखा हुआ है। बगल में कुबेर जी हैं और अभी जब मैं पूजा करूँगी तो इनका दर्शन मैं कराऊँगी। और अभी तक पूरी तैयारी हो चुकी है और दिया वगैरह भी मैंने लगाने को रख दिया है। और रंगोली जो कि अनिका ने बनाई है, हमने बनाई है, तो हम और अनिका दोनों ने मिल के बनाई है। माता रानी के पैरों के निशा। खाने का और खाने में क्या बन रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आज है सूरन की सब्जी यानी कांद की सब्जी और सेवई पूड़ी और चावल। सो पूजा करते समय मैंने लल्ला को भी भोग लगा दिया था। लल्ला भी अपना डिनर कर चुके हैं। सो चलिए अभी खाना बनाने के बाद और हम लोग क्रैकर्स जलाने के लिए नीचे जाएंगे। सो हम लोग नीचे सोसाइटी में आए हैं जहाँ पर क्रैकर्स बच्चे लोग जला रहे हैं, बड़े लोग भी जला रहे हैं। तो हम लोगों ने भी सोचा हम लोग नीचे क्यों आए हैं, पटाखे फोड़ने। सो डिनर हो चुका है। डिनर कैसा बना था ये भैया और दीदी और डॉक्टर साहब बताएंगे। मस्त था, बहुत शानदार था। सो खाना तो अच्छा था जैसा कि फीडबैक आपने सुना। सो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यही एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर भी कर देना। हैप्पी दिवाली।